तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अगर तुम बात करोगे तो यहाँ से रेशियो रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियाई टू द हीलियम न्यूक्लियाई। अब सबको पता है अगर कॉन्सेप्ट तुम पढ़े होगे तो न्यूक्लियाई जो डेंसिटी होती है लगभग लगभग सेम होती है, और ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है लगभग लगभग सभी का सेम होता है, और वो आता है 10^17 ऑर्डर के आसपास केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी लगभग लगभग सेम होता है। तो अगर न्यूक्लियर डेंसिटी आप ऑक्सीजन लिखोगे और हीलियम निकलियोगे तो 1:1 आएगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर नहीं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास टोटल मास, तो टोटल मास जो है आपका न्यूक्लियस, तो मास ऑफ एक न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन्स हैं मास ऑफ एक प्रोटॉन, और वॉल्यूम, और यहाँ से मास 4/3 π r³ और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से तुम देखोगे मा डेंसिटी मास 4/3 π r³ और रेडियस 4/3 रेडियस r₀ यहाँ से। ठीक है, 4/3 π r³ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई अगर तुम पढ़े होगे यहाँ से तो m/a यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/3 रेडियस r इज इक्वल टू r₀ a³ 1/3 है यार। तो यहाँ यहाँ के जब क्यूब करोगे इसका तो ये r₀³ आ जाएगा और ये आ जाएगा a, यहाँ से भाई दोनों साइड यहाँ क्यूब करोगे तो ये, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये r₀³ और यहाँ से a, तो a ने a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम देखोगे तो डेंसिटी m/4/3 π रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस r³। तो ये क्या है मेरे भाई, ये एक कांस्टेंट है, वो ए पर इंडिपेंडेंट है, तो ए पर इंडिपेंडेंट है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू लगभग लगभग 10^10 17 आता है, और केजी पर मीटर क्यूब यहाँ से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जेई की तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।